आज हमारे साथ में है भारत दिल्ली से आए दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ की डीन सुनीता सिंह सेन गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जानना चाहते हैं, 125वीं सालगिरह मना रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी की, यहाँ सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका जो स्पीच दिया और आप वहाँ से आई हैं एक डेलीगेशन ले करके, तो क्या मिशन है, क्या करना चाह रही हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। थैंक यू वंदना जी। ISOL Foundation, Integrating Spirituality and Organizational Leadership Foundation, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो स्वामी विवेकानंद के फिलॉसफी से प्रेरित है और स्वामी जी के टीचिंग्स को मैनेजमेंट में इंटीग्रेट करती है। हम लोगों ने 2015 में सितंबर 11 से 13 फुलर्टन हॉल द आर्ट इंस्टीट्यूट में इसकी एक झांकी की थी और अब हम लोग सितंबर 11 से 13 यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में द ओरिएंटल इंस्टीट्यूट में पुनः जमा होंगे और फिर से एक बार सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका की को गुजार करेंगे। सितंबर 11 की अपनी एक खास वजूद है, जब ईस्ट मेट द वेस्ट, जब पूरब और पश्चिम का मिलन हुआ। ये कांग्रेस वैदिक फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट साइंस के है, जो वेदों में हमारे भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति और भारतीय स्पिरिचुअलिटी में किस तरह से कहा गया है कि हम किस तरह से व्यवस्था को करें। सबको पता है कि भारत को एक सोने की चिड़िया कहा जाती थी, क्या मॉडल था, क्या उस समय रूपरेखा था, इसी पर आयोजित यह कांग्रेस 3 दिवसीय कांग्रेस है जहाँ विश्व के विभिन्न जगह से लोग आते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ गेल का, IOCL का, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का, जहाँ से लोगों ने आगे बढ़कर सपोर्ट किया। मैं शुक्रगुजार हूँ इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस का, जिसने हमारे स्पीकर्स को स्पॉन्सर करने का निर्णय लिया। इस कॉन्फ्रेंस में भारत के पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस सामने आए और उससे इस मिशन को बल मिला। सो मैं इन सबों के शुक्रगुजार हूँ। मैं खास नाम लेना चाहूँगी श्री DV शास्त्री, जो डायरेक्टर EDHR हैं गेल में, और शास्त्री जी का बहुत सहयोग रहा फंड रेज कराने में। मैं उन सबों की शुक्रगुजार हूँ। मैं कृष्णा बंसल जी का, अनूप शर्मा, भाई लाल पटेल और वंदना जी, आप लोग सभी का शुक्रगुजार हूँ जो आप लोगों ने इसको ये प्रारूप दिया और आज शिकागो में खड़ी होकर इसके अब कुछ 10 दिन के बाद इसकी ये कार्यक्रम है और मैं देख रही हूँ किस तरह से ये होगी। सो मैं और सभी अपने स्पीकर्स की, जो एक से एक बढ़कर स्पीकर्स हैं, कौन कौन कहाँ कहाँ से आ रहा है अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें। प्रोफेसर सुनैना सिंह, जो वाइस चांसलर नालंदा यूनिवर्सिटी की, शी इज कमिंग। डॉक्टर वंदना शिवा, जो वर्ल्ड फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, शी इज कमिंग। प्रोफेसर दिनेश सिंह, जो भूतपूर्व वाइस चांसलर थे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के और करेंटली हिज चांसलर कुमार मंगलम यूनिवर्सिटी के, ही इज कमिंग। और ढेर सारे लोग आ रहे हैं। शॉल फिशर, जिसने इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफी ऑफ आर्किटेक्चर लिखा, वो आ रहे हैं। सुजन मॉर्गन, हु रन्स दिस सेक्रेट स्पेस इंटरनेशनल, वो आ रही हैं। वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन ने इसको प्री पार्लियामेंट करार किया है, बोले कि इसको प्री पार्लियामेंट इवेंट के रूप में इसको घोषित किया है। तो ये अपने आप में बहुत ही संतोष देने वाली अनुभव है कि सभी जो इससे जुड़े हैं, इसमें अपना जिस भी रूप से सहयोग दे रहे हैं इसकी सफलता के लिए। सो बात करते हैं सितंबर के महीने की, बात करते हैं पूरा महीना जो है स्वामी विवेकानंद जी की बात होगी, बट लेकिन ये सिर्फ सितंबर तक ही नहीं सीमित रहेगा, उसके बियॉन्ड भी, क्योंकि जब इतनी
संपूर्ण गंगा बहेगी यहाँ पे, तो उसका जो नेक्टर निकल के आएगा वो वर्ष दर वर्ष रहेगा, और 1500 साल तक के लिए स्वामी जी जो हमको दे के गए हैं स्पिरिचुअलिटी, उसको अभी फिर रिवाइव कर रहे हैं। काफ़ी लोग आएंगे, उस विचारधारा से बात करेंगे। सुनीता जी, हम आपको आपके आने वाले कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक मैम। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच वंदना, थैंक्स अ लॉट।